हेलो एवरीवन, आज की वीडियो शुरू होने से पहले मैं इस वीडियो को एक कोट के साथ स्टार्ट करना चाहता हूं। तो कोट कुछ इस तरह के की है कि हम डब्बा के साथ सिर्फ खाना ही नहीं साहेब, बहुत कुछ दे के जाते हैं। थोड़ा उस नज़र से देखिए, आपको खाने के साथ साथ प्यार भी दिखेगा। तो गाइस, आज हम लोग मुंबई के फेमस मुंबई डब्बे वाले बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पिछले 125 सालों से मुंबई डब्बा वाला बिजनेस ऑफिस गोअर्स को हर दिन करेक्ट टाइम पर लंच कराते आ रहा है। तो साल 1890 में महादेव हवाजी बच्चे जी ने मुंबई में दोपहर के लंच की फूड डिलीवरी सर्विस को शुरू किया था। एंड उन्होंने मुंबई में रहने वाले सभी डब्बा वाले को बुलाकर एकजुट होकर एक टीम बनाया था। तो साल 1956 में इन्होंने खुद को एक नया मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लाई ट्रस्ट के नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया था। उस टाइम मुंबई में करीब करीब 5000 डब्बे वाले एक दिन में 200,000 से भी ज़्यादा डब्बा खाना डिलीवर करता था। इनका मेन बिजनेस मॉडल ये था कि वे सारे के सारे उन सभी वर्कर्स के घर सुबह जाके उनके लंच बॉक्स कलेक्ट करते थे एंड लंच पैक करके दोपहर को ठीक 1 बजे से पहले उन सभी के वर्क प्लेस पर खाना लेके पहुंच जाते थे। एंड आपको ये जान के और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि विदाउट एनी पेपर वर्क एंड टेक्नोलॉजीज के मुंबई में डब्बा वाले की खाने की रेट, फूड डिलीवर करने की टाइमिंग सब कुछ एग्जैक्ट सेम टाइम में हो जाता था। और वे सारे के सारे अपनी फूड डिलीवर के लिए सिर्फ बाईसाइकिल एंड हैंड कार का इस्तेमाल करता था। वे अपनी पूरी प्रोसेस में किसी भी टाइप्स के प्राइवेट व्हीकल और फ्यूल व्हीकल की इस्तेमाल नहीं की थी। इनके अपने काम के प्रति प्यार, उनकी कमिटमेंट इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि इन सभी से साल 2003 में इंग्लैंड के सेकेंड क्वीन एलिजाबेथ के एल्डर सन प्रिंस चार्ल्स ने, जिसे हम सब द प्रिंस ऑफ वॉल्स के नाम से भी जानते हैं, एंड द ग्रेट एंटरप्रेन्योर मिस्टर रिचर्ड ब्रेंसन खुद इन सभी से मिलने के लिए आए और इनके खूब सारे तारीफ करके गए। एंड वर्ल्ड के फेमस यूनिवर्सिटीज़ जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, माइक्रोसॉफ्ट एंड प्रैक्टिकली IITs एंड IIMs ने इन सभी डब्बा वाले की प्रोफेशनलिज्म से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए। तो गाइज, ये था एक छोटी सी इंट्रोडक्शन अबाउट ए मुंबई डब्बा वाला बिजनेस मॉडल। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय।